नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCLK9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा हमारा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं इसके बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी एक डेफिनेशन होती है। वो कौन सी डेफिनेशन है, आइए समझते हैं। जैसे ध्वनि तरंग की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। जैसा कि दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे यांत्रिक तरंग को, इसी के माध्यम से हम सारी चीज़ें सुन पाते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाती हैं और कन्वर्ट होकर के हमारे कानों तक ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। अगर अब ये हर्ट्ज में इसको डिवाइड किया गया, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि यांत्रिक जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो होती हैं 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। इनकी हमें अनुभूति होती है, इन्हीं के माध्यम से हमें ये पता लग पाता है कि हम किस प्रकार से इनको डिफाइन करते हैं। अब हम कौन से चीज़ों को सुन पाते हैं, जैसे कि 20 से या 20,000 हर्ट्ज, अगर हम 20,000 से नीचे हुई तो क्या हम सुन पाएंगे या 20,000 से ऊपर हुई तो क्या हम उसे सुन पाएंगे, तो दोस्तों चर्चा करेंगे इसी विषय पर। दोस्तों, इनकी जो तीन तरह की ये होती हैं और तीन तरह की कौन कौन सी होती हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं नंबर बाई नंबर से। जैसे कि बात करते हैं पहले अपश्रव्य तरंगें, ये होती हैं आपकी अपश्रव्य तरंगें। ये अपश्रव्य तरंगें हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि 20 हर्ट्ज से नीचे नीचे वाली आवृत्ति अगर कोई है आवृत्ति है तो उसे अब श्रव्य तरंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति को हम अपश्रव्य तरंग कहते हैं। दोस्तों, ये तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता, इसलिए हम इसे अपश्रव्य तरंग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी श्रव्य तरंग। ये जो श्रव्य तरंग जो होती हैं दोस्तों, ये होती हैं आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली आवृत्ति को श्रव्य तरंग कहते हैं। दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन है, कौन सी, कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली आवृत्ति को हम श्रव्य तरंग कहते हैं। दोस्तों, अब इसी के एक और है कि ये हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं, ये हमारे कान सुन सकते हैं। दोस्तों, इसी के बीच में हमारे जो कान हैं, ये कई बार क्वेश्चन में फाइट हुआ है कि कौन से 20 वाले हर्ट्ज, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज वाली जो आवृत्ति होती है इनको हम श्रव्य तरंग कहते हैं और इन्हीं के हमारे कान सुन सकते हैं। दोस्तों, अब आता है आपका प्राश्रव्य तरंग। दोस्तों, ये जो आपका जो मैं क्रम बाइज क्रम करा रहा हूँ इससे आपका यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली
आवृत्ति को, आवृत्ति को हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ऊपर वाले आवृत्ति को हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। दोस्तों इसे हमारे कान नहीं सुन पाते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ये हमारे कान इसे नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जैसे आपके जानवर सुने होंगे, जानवर में जो भी जैसे जैसे आते हैं वो सारे, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सुगर है, और आपके से बहुत तरीका के जो जानवर हैं वो इनको सुन सकते हैं। कौन सी को? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले आवृत्ति को ये इनके जो कान हैं वो सुन सकते हैं। जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा एक संग भी अचानक से एक साथ इनके अंदर ऐसे पावर सी ऐसे लगता है कि अचानक से वो किसी प्रकार से घबरा सा गया एक साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी पराश्रव्य तरंग जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंग हम कहते हैं और इसे जानवर सुन सकते हैं। तो दोस्तों इनके अब उपयोग पता कर लेते हैं कि इनके उपयोग कौन कौन से हैं। उपयोग पराश्रव्य, क्योंकि पराश्रव्य से ही बहुत सारे काम हमारे होते हैं, इसलिए हम पराश्रव्य से पता करते हैं। जैसे दोस्तों तार भेजने में, समुद्र की गहराई नापने में, जो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में एक थर्मामीटर होता है, उसको उससे भी उस वो भी पता लगाने के लिए, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर हैं आपके, गठियाबाई रोग हैं आपके, जैसे गठियाबाई के रोग हैं उनको पता लगाने के लिए बहुत सारे ऐसे आइटमों में हम पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। दोस्तों कुछ ध्वनि की चालें होती हैं कि वो कौन कौन सी चालें होती हैं, आइए समझते हैं उसे। ध्वनि की चाल की हम बात कर लेते हैं। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल जैसे कि आपकी द्रव है, ठोस है और गैस है। जैसे आपने देखा होगा कि वायु या फिर आपका जल है, इनमें अलग अलग प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। कैसे कैसे होती हैं आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले इन्हें कि वायु में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब इसकी जो जल में होती है, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होती है। अब इसकी लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको सारी चीज़ें ध्वनि की तरंग से संबंधित सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इसे शेयर करें। ज़्यादा अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।